नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटोब में। तो गाइज, आज है आपके सामने इंडियाज मोस्ट सेफेस्ट हैचबैक इन द सीएनजी वेरिएंट। तो दोस्तों, ये गाड़ी हो जाती है सेफ्टी के साथ साथ एक बढ़िया सी फ्यूल एफिशिएंट हैचबैक, क्योंकि भाई इसमें आपको मिलता है द ऑल न्यू सीएनजी वेरिएंट। और ये है टाटा टियागो की एक्सएम सीएनजी वेरिएंट। दोस्तों, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि भाई हर कॉम्पिटिशन को बीट कर देता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये फीचर्स देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अगर हम अदर ब्रांड्स को देखते हैं, जैसे मारुति की वैगनार, वो आज की डेट में इसी के साथ के प्राइस रेंज में आती है, बट इसके फीचर्स को बीट नहीं कर पाती है जिस प्राइस रेंज में ये आपको ऑन रोड पड़ जाती है। तो दोस्तों, सारे फीचर्स की बात हम लोग इस वीडियो में ज़रूर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और अभी इसके हम आपको पीछे साइड लेके चलते हैं, तो आप देख सकते हो इस गाड़ी में आपको कुछ ऐसा सीएनजी का सिलेंडर मिलता है जिसमें आपको 60 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है और करीब 8 से 9 किलो गैस आप इसमें आराम से भरवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल लिड भी दिया हुआ है जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, सारे फीचर्स की बात शुरुआत से ज़रूर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पीएस मोटो। तो गाइज, टाटा टियागो के एक्सएम सीएनजी वेरिएंट की अगर प्राइसिंग की बात करें, जिसमें आपको भाई सारे फीचर्स मिलते हैं स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ, एक 4 पावर विंडोज अलॉन्ग विद द सेंट्रल लॉकिंग एंड आपका जो है ऑडियो सिस्टम 2 स्पीकर्स के साथ आपको मिल जाता है एक्सएम वेरिएंट में। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बात है कि भाई आपको एक सेम प्राइस रेंज की गाड़ी में सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको कहीं बाहर जाने की कहीं भी ज़रूरत ही नहीं है इस मॉडल को लेने के बाद। तो भाई, एक्स शोरूम प्राइसेस की बात करें तो 6,40,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि ऑन रोड अगर आप हम आपको बताएं तो भाई 7,30,000 रुपये का इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा टाटा टियागो के एक्सएम सीएनजी मॉडल का आफ्टर एक्सेसरीज एंड डिस्काउंट। तो भाई, आप इसके जो है एक्सटीरियर को एक बार फिर देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया है। बाकी हम आपको इसकी की से शुरुआत करके एक बार फिर से गाड़ी दिखा देते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो ओवरऑल टियागो के सीएनजी वेरिएंट का कुछ ऐसा लुक आता है। नीचे आपको ICNG की बैजिंग भी दी गई है लाइट्स के ठीक बगल में, जो आप देख पा रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की से। तो भाई, की कुछ ऐसी मिलती है, काफ़ी बढ़िया की मिलती है आपको, नो डाउट टाटा की नॉर्मल आपको की मिलेगी। अगर आपको इसमें फ्लिप की चाहिए तो उसमें आपको इसका एक्सटी वेरिएंट लेना पड़ेगा। बाकी फ्रंट का डिज़ाइन आप देख सकते हो भाई, बीच में टाटा का लोगो काफ़ी ही प्यारा लगता है। दोस्तों, जो बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए इस गाड़ी की, तो सबसे एक अलग ही लेवल की है और द मोस्ट सेलिंग हैचबैक आने वाले समय में बनने वाली है। दोस्तों, अभी का वेटिंग पीरियड इस गाड़ी का नो डाउट भाई काफ़ी कम है, लेकिन इन फ्यूचर हमें शायद ये गाड़ी भी लंबी वेटिंग के साथ देखने को मिले। तो प्लीज़ आप इस गाड़ी को भी ज़रूर से ज़रूर हमारी तरफ से पूरा आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। बाकी आपको अब हम इसकी साइड प्रोफाइल ज़रूर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो भाई, कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल आती है। इंडिकेटर्स आपको जो है नॉर्मल ब्लैक कलर मिलेंगे और डोर हैंडल पे भी आपको ब्लैक का ही फिनिश यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। पावर एडजस्टेबल ORVM आपको जो है इसके एक्सटी वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है, और ये चीप सा जो आप फेंडर पे इंडिकेटर देख रहे हो, ये भी आपको ORVM पे मिल जाता है। व्हील साइज़ की बात करें तो R14 का यहाँ पे साइज़ आपको मिल जाता है, जबकि वैगनार में आपको R13 ही देखने को मिलता है। तो भाई, फीचर्स के मामले में नो डाउट भाई ये गाड़ी बहुत ही अप टू द मार्क है। 1200 cc के मजबूत से पेट्रोल इंजन के साथ आती है दोस्तों। बाकी लाइट्स की क्वालिटी आप देख सकते हो इस गाड़ी की कुछ ऐसी है। दोस्तों, इसका 3 सिलेंडर इंजन का रिफाइनमेंट काफ़ी ठीक है एज़ कंपेरिजन टू अदर कार्स। वैसे मेरे हिसाब से जो 1.2 लीटर हुंडई का आता है वो ज़्यादा ही कुछ रिफाइंड है 4 सिलेंडर होने के बाद। बाकी आप देख सकते हो इसकी पीछे की कुछ लाइट्स ऐसे जला करती हैं भाई, जो कि काफ़ी सुंदर लगती है। यहाँ पे ICNG की बैजिंग दी गई है और बीच में आपको टाटा का लोगो भी दिया गया है। और पेंट का कलर जो है आप देख सकते हो इस गाड़ी का भाई काफ़ी ही काबिले तारीफ़ है। ये टाटा टियागो का कोई नया कलर नहीं है, ये इसका पुराना ही कलर है। इसमें आपको नया कलर मिलेगा वो आपको केवल टॉप मॉडल में मिलता है। तो आप इसका अब जो है हम लोग फ्रंट डोर जैसे ही खोलते हैं तो आप देख सकते हो भाई, डुअल टोन का फिनिश आपको अच्छा खासा मिल जाता है। डोर्स पे आपको 4 पावर विंडोज़ भी दिए गए हैं और इंटीरियर की फिट एंड फिनिश भाई टाटा टियागो की इज़ जस्ट ओके। मतलब इतना भी चीप सा इंटीरियर नहीं इस गाड़ी में बिल्कुल भी यूज़ किया गया है। बाकी आप देख सकते हो सीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल जो इसका
केबिन है, नो डाउट भाई काफ़ी अच्छा है। अब इसकी जो है इग्निशन को ऑन हम लोग करते हैं और बाकी आप देख सकते हो इसमें आपको पावर विंडोज़ वगैरह सब दिए गए हैं जो कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सेंट्रल लॉकिंग की भी बात अभी हम लोग ज़रूर करते हैं, वो भी आपको फंक्शन करके ज़रूर दिखाते हैं हम लोग। और बाकी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सेंट्रल लॉकिंग इसकी वर्क कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डंडी वाला फीचर आपको मिल जाता है दोस्तों। पावर एडजस्टेबल RVM के लिए आपको इसका XT वेरिएंट लेना पड़ेगा जो कि करीब 40,000 रुपये महंगा आता है भाई ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। बाकी इंटीरियर का फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो भाई। ऑडियो सिस्टम भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे दे रखा है। MID की भी आपको अंदर से ज़रूर हम लोग दिखाते हैं। स्टेयरिंग की फिनिश की भी बात अभी ज़रूर करेंगे। और AC का फिनिश कुछ ऐसा दे रखा है, मैनुअल AC आपको मिलता है, ऑटोमेटिक AC जो है आपको इसके टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा जो कि है एग्जेट प्लस। बाकी आप देख सकते हो बीच में आपको व्हाइट कलर की लाइट वगैरह सब दी गई है। और केबिन काफ़ी ही एक सूदिंग केबिन लगता है इस गाड़ी का। तो हम लोग ग्लोव बॉक्स को ओपन करके देखते हैं तो ग्लोव बॉक्स का साइज़ कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है भाई, एक ठीक ठाक ग्लोव बॉक्स है आपको। स्पेस की बात करें तो भाई वैगनार CNG के जितनी स्पेशियस तो नहीं है, बट आपको एक अच्छे फीचर्स और एक अच्छे सेफ्टी वाली गाड़ी ये आराम से मिल जाती है। MID फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, वो भी आप अभी ज़रूर देख पाओगे। और स्टेयरिंग का भी एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो MID आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है भाई, डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है जो कि इस सेगमेंट में आपको जल्दी किसी गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा। CNG के साथ आपको डिजिटल स्पीडोमीटर भी इस गाड़ी में दिया गया है। बाकी एक तरफ आपका RPM मीटर और उस साइड आपका जो राइट साइड में आप देख रहे हो CNG और पेट्रोल का आपको फ्यूलअप मिल जाता है दोस्तों। इंटीरियर में इस गाड़ी को हम 10 में से 9 नंबर देते हैं क्योंकि भाई नो डाउट काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। और आप देख सकते हो इस गाड़ी में आपको एक बढ़िया सा रीच का भी सिस्टम मिल जाता है। तो भाई अब बात कर लेते हैं सेकेंड रो सीट्स की। तो भाई सेकेंड रो सीट्स भी इस गाड़ी की नो डाउट भाई काफ़ी अच्छी लगती हैं और डोर्स पे आपको अच्छा खासा फिट फिनिश देख रखा है। स्पीकर्स की बात करें तो भाई XM वेरिएंट में आपको रियर डोर्स के स्पीकर नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल आपको यहाँ पे दिए गए जाते हैं केवल फ्रंट के, पीछे आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलने वाला है। लेगरूम की बात करें तो भाई ठीक ठाक लेगरूम है, 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। और हेडरूम की बात करूँ तो भाई मेरी हाइट के हिसाब से सफिशिएंट है और बाकी लंबे बंदे यहाँ पे शायद आपको यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सके। इंटीरियर का यहाँ पे जो लुक है काफ़ी सुंदर लगता है आपको, यहाँ पे लाइट कम है तो इंटीरियर इतना खुल के नहीं दिख रहा होगा बट आपको ठीक ठाक यहाँ पे लगने लगेगा। हेडरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो केवल आगे साइड ही दे रखा है इन्होंने, जबकि आपको वैगनार में भी ना ही आगे मिलते हैं ना ही पीछे मिलते हैं। तो दोस्तों अब फाइनल हम इसका बूट ओपन करके देखते हैं और एक फाइनल वर्डिक्ट की भी बात कर लेते हैं कि भाई क्या ये है स्पेस विद CNG। दोस्तों स्पेस के साथ CNG का दर्जा हम इसको कतई नहीं दे सकते, आपको केवल हल्का सा स्पेयर व्हील का यहाँ पे हाथ डालने भर का ही जगह देखने को मिलेगा, बाकी आप बैग वगैरह बिल्कुल नहीं रख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको सेफ्टी के साथ स्पेस का आप अगर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो हमारे हिसाब से भाई टाटा टियागो के CNG वेरिएंट से कोई भी आपको बेस्ट ऑप्शन मार्केट में नहीं देखने को वाला, क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया एक पैकेज मिल जाता है आपको सारे फीचर्स के साथ। तो अगर आपको इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेना है तो भाई टाटा टियागो का XM CNG वेरिएंट है द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हमारे हिसाब से। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल PS Motorhub। तब तक के लिए जय हिंद।